नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरों पर। एंटोनियो गुटेरेस ने ली संयुक्त राष्ट्र महासचिव पद की शपथ। संयुक्त राष्ट्र के नौवें महासचिव बने गुटेरेस, 1 जनवरी से संभालेंगे पदभार। मौजूदा महासचिव बान की मून की लेंगे जगह। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के नए विदेश मंत्री का किया ऐलान। एक्सन मोबिल कंपनी के सीईओ रेक्स टिलरसन होंगे नए अमेरिकी विदेश मंत्री। रूस ने सीरिया के अलेप्पो शहर में संघर्ष विराम लागू करने के अमेरिकी प्रस्ताव को नकारा। रूस के विदेश मंत्री का बयान, कहा पहले दोनों देश सुनिश्चित करें कि विद्रोहियों द्वारा परिभाषित गलियारों में सशस्त्र बल नहीं करेंगे हमला। नीस आतंकवादी हमले में 11 संदिग्ध गिरफ्तार। जुलाई में हमलावर मोहम्मद लाहुवेज ने ट्रक से रौंद कर ली थी 86 लोगों की जान। कई घंटों के खूनी खेल के बाद पुलिस ने हमलावर को किया था ढेर। इस्तांबुल बम धमाके में मृतकों की संख्या बढ़कर हुई 44। शनिवार को फुटबॉल स्टेडियम के बाहर दंगा रोधी पुलिस को निशाना बनाकर किया गया था हमला। कुर्दिस्तान फ्रीडम हॉक संगठन ने ली थी हमले की जिम्मेदारी। और लिंग भेद खत्म करने के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की अनोखी पहल। अब यूनिवर्सिटी में लड़के लड़कियों के लिए ही शी की जगह बोला जाएगा जी। अभी तक ट्रांसजेंडर ही करते थे जी शब्द का इस्तेमाल। तो ये थी अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।